हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 विच इज़ रेशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होते क्या हैं? इसको हम इजी फॉर्म में ये कह सकते हैं, ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके वो कहलाता है रेशनल नंबर। इसके अंदर जो क्यू है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें और जिसके अंदर क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो, वो कहलाएगा रेशनल नंबर। जैसे अपन एग्जाम्पल लें 2/3, यहाँ पर हम देखेंगे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 6। अब ये 6 तो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम 6 को 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, 6/1 लिखें चाहे 6 लिखें, लेकिन जब कभी हमें इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होगा तो हमें 6/1 लिखना होगा। तो रेशनल नंबर ये होते हैं। इसके अलावा जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें रेशनल नंबर, हमने ये जो लिया हुआ है 2/3, या फिर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं 8/2, तो ये रेशनल नंबर, इनके आगे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2/3 या -8/2। ये जो रेशनल नंबर है जिनके आगे ऐसे माइनस का साइन लगा हुआ है वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें यहाँ कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो पी वाला पी होता है वो होता है न्यूमरेटर और क्यू होता है हमेशा डिनोमिनेटर। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हम देखेंगे, ये है 13/42। तो इसके अंदर ये ऊपर वाला जो है पी वो होगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 13, और डिनोमिनेटर होगा 42। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें गिवन है -57/89। इसके अंदर जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो होगा -57 और डिनोमिनेटर होगा 89। थर्ड 98/-100, तो इसका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 98 और डिनोमिनेटर होगा -100। फोर्थ -31/-71, तो इसका न्यूमरेटर होगा -31 और डिनोमिनेटर होगा -71। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रेशनल नंबर विच हैज़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज रेस्पेक्टिवली। पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रेशनल नंबर गिवन था, अभी हमें यहाँ पे रेशनल नंबर डायरेक्ट नहीं गिवन है, हमें इसे सॉल्व करके लिखना होगा। तो हमें ये इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट अगर आप देखेंगे 3² + 5 × 5, तो ये एंड के जो पहले वाली जो लिखा हुआ है वो है न्यूमरेटर और एंड के बाद वाला है डिनोमिनेटर। इसे हम लिखेंगे तो सबसे पहला होगा 3² और अपॉन में आ जाएगा नीचे 5 × 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3² मीन्स 3 × 3, और नीचे हमें गिवन है 5 × 5। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 3 × 3 होता है 9 और 5 × 5 होता है 25। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था वो हमें मिल गया है, इसका आंसर होगा 9/25। नेक्स्ट सेकंड हम करेंगे, सेकंड हमें गिवन है 12-40 एंड 89-6। तो सबसे पहले इसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12/12-40 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 89-6। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, जब हम 12 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बड़ा साइन है, बड़ा नंबर 40 है, और 40 के पहले जो साइन लगा हुआ है वो माइनस है। और जब इस तरह से हम कभी प्लस या माइनस करते हैं तो हम हमेशा बड़े नंबर का साइन आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर जो 28 है उसका साइन होगा माइनस में, और डिनोमिनेटर के लिए हम 86-6 करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 83। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 12 में से जब हम -40 करेंगे तो आंसर आएगा -28, और 86 में से जब हम -6 करेंगे तो आंसर आएगा 83। थर्ड पार्ट, 13 + 78 एंड 205 - 93। थर्ड पार्ट, 13 + 78 एंड 205 - 93। तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। हमारा न्यूमरेटर होगा 13 + 78 और डिनोमिनेटर होगा 205 - 93। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 + 78 जब करेंगे तो 8 + 3 होगा 11, 1 कैरी हो जाएगा तो 1, 2, और उसमें जब 7 ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 9। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 91, और डिनोमिनेटर में हम 205 में से 93 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 112। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 5 × 3 एंड 16 / 8। न्यूमरेटर में आएगा 5 × 3 और डिनोमिनेटर होगा 16 / 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = होता है 15, और 16 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो इसका आंसर होगा 15/2। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज एन इंटीजर्स। हमें ये जो रेशनल नंबर गिवन है p/q की फॉर्म में, इसे इंटीजर की फॉर्म में चेंज करना है। इसे इंटीजर की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इसे कट करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। और कट हम कैसे करते हैं इसको देखिए। दोनों नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हम देखेंगे कि कौन सी टेबल में कॉमन आते हैं, वहाँ तक हम इसको कट करेंगे। जैसे देखेंगे हम -54 और 18। अगर हम 18 की टेबल में देखें तो 18 × 3 = होता है 54। मतलब ये जो फ्रैक्शन है हमारा रेशनल नंबर -54/18, ये 18 की टेबल से कट हो जाएगा। तो 18 × 1 = 18 होता है, और 18 × 3 = 54 होता है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा -3। सेकंड हमें गिवन है -17/1, ये ऑलरेडी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है, तो इसका जो इंटीजर फॉर्म होगा वो होगा -17। थर्ड फ्रैक्शन हमें गिवन है 65/-13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 की टेबल में 65 फाइव टाइम्स आता है, तो हमारा आंसर होगा 5। और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में माइनस गिवन है, इसीलिए जो हमारा रिजल्टेंट आंसर होगा वो भी माइनस में आएगा, तो ये होगा -5। फिर हम फोर्थ देखेंगे, -171/-19। 19 की टेबल में 171 नाइन टाइम्स आता है, तो जब इसका आंसर हमारे पास आएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा 19 × 1 = 19 एंड 19 × 9 = 171। यहाँ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस गिवन है, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर प्लस में ही आएगा, 9, माइनस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है वो माइनस में गिवन है, हमें उसे प्लस में चेंज करना है। इसको प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस में चेंज करने के लिए हमें ये पता है कि -×- जब होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर प्लस में है, सेकंड नंबर माइनस में है, तो +×- होता है माइनस, और 5 × 1 होगा 5। और डिनोमिनेटर में जब हम ये करेंगे 13 × 1 होता है 13, और यहाँ पर आप साइन देखोगे तो पहला नंबर भी माइनस में है और सेकंड नंबर भी माइनस में है, तो -×- प्लस हो जाता है। और यही चीज़ हमें करनी थी कि इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो हमें पॉजिटिव बनाना था। क्वेश्चन में हमें नेगेटिव गिवन था और अब हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। सेम यही चीज़ हमें हर एक पार्ट के साथ करनी है। सेकंड हमें गिवन है 17/-23, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, तो +×- माइनस हो जाएगा 7 × 1 = 17। सेकंड हमें गिवन है -23 × -1, तो ये -×- प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 23। थर्ड,
माइनस 31 अपॉन माइनस 18, यहाँ पर भी हम इसको ऊपर नीचे दोनों ही तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 इंटू 1 31 होता है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 1 इज 18। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, माइनस 103 अपॉन माइनस 219। इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 103 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये भी माइनस इंटू माइनस है तो ये हो जाएगा 219, ये भी प्लस में हो जाएगा।